जब नीचे शोएब ने और मैंने अम्मी को बताया तो अम्मी का इतना प्यारा रिएक्शन था, मतलब उन्होंने वाकई में इस पूरे दिन को एक बहुत ही इमोशनल और एक बहुत ही स्पेशल रीजन दे दिया जिंदगी भर याद रखने के लिए, क्योंकि अम्मी ने कहा कि ये तो सबसे बड़ा दिन है जब एंड सब ने भी कहा कि हाँ अगर ये दिन नहीं होता तो आज कुछ भी, ये सब कुछ नहीं होता। और वो एकदम मतलब उस वक्त जिस तरह से अम्मी उठी और उन्होंने मेरे माथे को चूमा और हम दोनों को साथ में बिठा के उन्होंने दुआएं दी, वो वो मोमेंट बहुत ज्यादा स्पेशल हो गया मेरे लिए। और तो अब ये दिन हमेशा याद रहेगा और बहुत ही स्ट्रांगली याद रहेगा। एंड इसलिए मैं वही कहती हूँ ना कि दिन स्पेशल होते नहीं है, उन्हें स्पेशल बनाया जाता है। अब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आप लोगों ने सुना जब दीपिका ने अपनी सास मीन्स अपनी अम्मी को बताया कि उनको ट्विंस प्रेग्नेंट हैं, तो उनकी अम्मी कितनी खुश हुई और उनको अपने पास बिठाया, साथ में अपने बेटे मीन्स शोएब इब्राहिम को बिठाया और उनको ढेर सारी दुआएँ दी। उनकी अम्मी बहुत सालों से बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कब वो दादी बनेंगी और फाइनली वो घड़ी आ गई है। अब कुछ महीनों का ही इंतज़ार बाकी है। इब्राहिम फैमिली वो वाइट फैमिली है जो छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढती हैं। वो एक हैप्पीली फैमिली बनकर रहते हैं। दीपिका और शोएब अपनी फैमिली को किस तरह से लेकर चलते हैं ये तो कोई उनसे ही सीखे। जैसे कि दीपिका ने बनाया कि स्पेशल मोमेंट स्पेशल दिन का वेट नहीं किया जाता, बस उसे बनाया जाता है स्पेशल। वेल, आपको क्या लगता है, दीपिका ट्विंस प्रेगनेंसी है या सिंगल? आपको दीपिका को देखकर क्या फील होता है, आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इन लोगों की हिंट्स को देखकर तो हमें तो ट्विंस बेबी ही लगते हैं, आगे तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। कुछ दिन बाद शायद ये लोग अनाउंस भी कर दें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मोर अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, दीपिका के लिए ढेर सारी दुआएँ कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।